नमो नमः। सिक्स स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन आज हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड लेसन का शीर्षक है शब्द परिचय 3। इस लेसन में अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का उपयोग कैसे करना है ये हमें देखना है। लेसन देखने से पहले कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का मैं परिचय करवा के दूंगा। यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी है मैंने, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों में उनका कैसे प्रयोग होता है ये अभी हमें देखना है। अकारांत नपुंसक लिंग जो सर्वनाम है वो पहले मैं आपको बोलकर दिखाऊंगा। एतद, एते, एतानि, इसका अर्थ होता है यह, ये दो और ये सब। एक वचन में यह, द्विवचन में ये दो, बहुवचन में ये सब। अभी कुछ वस्तुएं मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक फूल है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, एतत् पुष्पम्, एतत् पुष्पम्, एक वचन में। अभी यहाँ पर मैंने दो फूल लिए हैं तो इसका अर्थ क्या होगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एते पुष्पे, एते पुष्पे, ये दो फूल है। और दो से ज्यादा यहां पर मैं फूल लूंगा और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एतानि पुष्पाणि, एतानि पुष्पाणि, इसका अर्थ क्या होता है, अनेक फूल। अभी दूसरी वस्तु देखेंगे हम लोग। यहां देखो, यहां पर मैंने पत्ता लिया है, कितने पत्ते हैं, एक पत्ता है इसलिए क्या बोलेंगे, एतत् पत्रम्, एतत् पत्रम्, एक पत्ता। अभी मैं मेरे हाथ में दो पत्ते लूंगा, अभी दो पत्ते, इसका अर्थ क्या हुआ, एते पत्रे, एते पत्रे, इसका अर्थ क्या होगा, ये दो पत्ते हैं। अभी दो से ज्यादा मैं पत्ते मेरे हाथ में लूंगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एतानि पत्राणि, एतानि पत्राणि, इसका अर्थ क्या होगा, ये सब पत्ते हैं। अभी मेरे हाथ में मैंने कागज लिया है, एतत् गर्गदम्, एतत् गर्गदम्, इसका अर्थ क्या होगा, एक कागज है। अभी मैं दो कागज लूंगा मेरे हाथ में, एते गर्गदे, एते गर्गदे, इसका अर्थ क्या हुआ, ये दो कागज है। अभी दो से ज्यादा लूंगा, एतानि गर्गदानि, एतानि गर्गदानि, इसका अर्थ क्या हुआ, ये सब कागज है, ये सब कागज है। अभी मेरे हाथ में देखो रुमाल है, संस्कृत में से क्या बोलते हैं, करवस्त्रम। अभी एक रुमाल है इसलिए मैं क्या बोलूंगा, एतत् करवस्त्रम, एतत् करवस्त्रम, इसका अर्थ क्या हुआ, यह रुमाल है। अभी यहां पर मैं दो रुमाल लूंगा मेरे हाथ में, इसे क्या कहेंगे हम लोग, एते करवस्त्रे, एते करवस्त्रे, ये दो रुमाल है। अभी दो से ज्यादा मैं लूंगा, यहां पर तीन रुमाल है मेरे हाथ में, देखो तीन रुमाल मेरे हाथ में है, एतानि करवस्त्राणि, एतानि करवस्त्राणि, इसका अर्थ क्या हुआ, ये सब रुमाल है, ये सब रुमाल है। तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग कैसे करना है ये हमने देखा है, और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय भी आपको अभी हो गया है। तो लेसन इसके बाद के वीडियो में लेसन का अर्थ और लेसन का जो परिचय है वो हम लोग देखेंगे।